हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम आशा सक्सेना। आज हम आपके सामने एडवांस हेयर कटिंग 0 to 90 डिग्री की लेकर आए हैं। विश्वास है आपको जरूर पसंद आएगी। तो देखिए, हेड वॉश किए हुए हेयर्स में हम अच्छे से कॉम करेंगे और हेयर्स को ठीक प्रकार से सुलझाते हुए हम अपने पार्टिंग का काम शुरू करेंगे। ये देखिए, हेयर्स को हमने सुलझाया और हमने हेयर्स को दो भागों में डिवाइड कर दिया सेंटर पार्टिंग के द्वारा। ये देखिए, हेयर्स को दो भागों में डिवाइड करने के बाद में अब हम ईयर टू ईयर पार्टिंग करेंगे। राइट हैंड साइड का जो हम सेक्शन अपना बना रहे हैं, फोर सेक्शन हम बनाएंगे, तो राइट हैंड साइड के हेयर्स का सेक्शन पहले तैयार करेंगे और उसके बाद में फिर लेफ्ट हैंड साइड का सेक्शन तैयार करेंगे। ईयर टू ईयर पार्टिंग करके हमने अपना वन सेक्शन तैयार किया और हेयर्स को डिवाइड करके हमने लॉक कर दिया। ये राइट हैंड साइड का अब हम सेकंड पार्टिंग करेंगे। क्लियरिटी के साथ पार्टिंग हमने की और सेकंड सेक्शन हमने लॉक किया। ज्यादा हैवी हेयर्स नहीं है इसलिए हम ओनली फोर सेक्शन करेंगे। हेयर्स को हमने फोर भागों में डिवाइड किया है। ये अब हम थर्ड सेक्शन कर रहे हैं। क्लियरिटी के साथ में पार्टिंग की और ये हमने लॉक कर दिया। और जो फोर्थ सेक्शन वाले हेयर्स हैं, हमने उनको इसी प्रकार छोड़ दिया। अब हम लेफ्ट हैंड साइड के हेयर्स का सेक्शन करेंगे, पार्टिंग करेंगे और उनको फोर सेक्शन में डिवाइड करके लॉक करेंगे। ये देखिए, सबसे पहले ईयर टू ईयर जो हमने पार्टिंग राइट हैंड साइड में की थी, उसकी जो हमने लाइन तैयार की हुई थी, लाइन से लाइन मिलाकर हम पार्टिंग करेंगे और फिर उन हेयर्स को लॉक कर देंगे। एक साइड के कंप्लीट सेक्शन होने के बाद में सेकंड जब हम तरफ के हेयर्स को पार्टिंग करेंगे, सेक्शन तैयार करेंगे, तो बस हमको ये ध्यान रखने की आवश्यकता है कि हम क्लियरिटी के साथ पार्टिंग करें, जिससे कि कटिंग में कोई प्रॉब्लम ना आए, आपस में हेयर्स उलझ ना पाए। ये देखिए, ईयर टू ईयर हमने पार्टिंग की है लाइन से लाइन मिलाकर और लेफ्ट हैंड साइड के हमने फर्स्ट सेक्शन को लॉक कर दिया। इसी प्रकार अब हम सेकंड सेक्शन तैयार करेंगे। वही राइट हैंड साइड के हेयर्स की लाइन को लेकर लेफ्ट हैंड साइड के पार्टिंग जो करेंगे उससे मैच करते हुए हम करेंगे। ये हमारा सेकंड सेक्शन हमने तैयार कर लिया और अब इसको लॉक कर दिया। अब हम लेफ्ट हैंड साइड का थर्ड सेक्शन करने जा रहे हैं। ये क्लियरिटी के साथ में हमने लाइन से लाइन मिलाकर सेक्शन बनाया और उन हेयर्स को हमने लॉक किया। ये हमारे राइट हैंड साइड के और लेफ्ट हैंड साइड के दोनों साइड में थ्री थ्री सेक्शन हमारे तैयार हो गए। और जो फोर्थ सेक्शन हमने छोड़े हुए हेयर्स हैं, उन दोनों को मिक्स कर लिया। ड्राइनेस के कारण
हेयर्स में गर्मी के कारण जल्दी सूख जाता है पानी, तो हमने वाटर रिस पे फिर से किया। और ये जो हमारे बैक पोर्शन के दोनों साइड के हेयर्स हैं, हमने 0 डिग्री पर ट्रिम किया। ये देखिए, हेयर्स को हमने उठाया नहीं है और 0 डिग्री तक किया। और उसके बाद में अब हमने 45 डिग्री तक हेयर्स को ले जाकर कट किया। एक बार फिर से देखिए, सबसे पहले 0 डिग्री किया, उसके बाद में हमने 45 डिग्री किया, और अब हम ये 75 डिग्री तक हेयर्स को ले जा रहे हैं और कट कर रहे हैं। इनके हेयर्स हल्के हैं, लेंथ भी बहुत ज़्यादा नहीं है, इसलिए ज़्यादा हमको शॉर्ट नहीं करना है। तो हमने 2-2.5 इंच के करीब इनका हेयर कट दिया है। ये देखिए, अब हम इन हेयर्स को 90 डिग्री तक ले गए। एक बार फिर से देखिए, आप सारे हेयर्स को हमने लिया और ये देखिए, ऊपर उठाते हुए ये 90 डिग्री का हम कट देंगे। इस प्रकार बैक पोर्शन के जो हेयर्स थे हमारे दोनों साइड के, मिक्स करते हुए 0 डिग्री पर हमने कट किया, 45 पर किया, 75 पर किया, और अब हम 90 डिग्री का कट एक बार फिर से देखिए चेक करते हुए हम फिनिशिंग दे रहे हैं, जिससे कि हेयर्स हमारे छोटे बड़े ना रहें। ये 90 डिग्री तक उठाते हुए हेयर्स को हमने ट्रिम किया। अब हम ये बैक पोर्शन के सारे हेयर्स लेफ्ट हैंड साइड में ले जाके हमने कट किया है, और अब हम राइट हैंड साइड का कट देंगे। हमने 0 डिग्री का कर दिया था दोनों को मिक्स करते हुए, अब हमने 45 डिग्री का कट किया, ट्रिम किया। अब ये हमारा 75 डिग्री आ गया। देखिए, बहुत ध्यान से हम अच्छे से समझा रहे हैं, जिससे कि आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ जाए। अब हम 90 डिग्री तक हेयर्स को ले गए और फिर ट्रिम किया। जिस तरह से हमने लेफ्ट हैंड साइड में सारे हेयर्स का कट किया है, उसी प्रकार हम राइट हैंड साइड में ले जाते हुए कट किया है। हमने इन हेयर्स का कट 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक किया है, 0, 45, 75 और 90 डिग्री। केवल बैक पोर्शन के हेयर्स को हमने दोनों साइड में हेयर्स को ले जाकर ये 4 स्टेज का कट दे दिया। अब हम राइट हैंड साइड के जो हमारे थर्ड नंबर का लॉक किए हुए हेयर्स हैं, उनको हमने खोला, और देखिए इस तरह से हमने अच्छे से कॉम करते हुए ट्रिम किया। एक बार फिर से देखिए, हमने जो थर्ड सेक्शन वाला लॉक राइट हैंड साइड का खोला, और गाइडलाइन हमने जो हमारे हेयर्स ट्रिम किए हुए थे उसमें से गाइडलाइन थोड़ी सी ले ली कुछ हेयर्स को लेकर। और सबसे पहले हमने 45 डिग्री पर किया, क्योंकि 0 डिग्री का तो हमारा हो गया बैक पोर्शन के, उसमें से गाइडलाइन ली, और उसके बाद में अब 45 डिग्री का किया, और अब हम 75 डिग्री तक हेयर्स को ले जाएंगे। ये देखिए, और हम 2 इंच के करीब हम कट कर रहे हैं। इन हेयर्स को, थर्ड सेक्शन वाले हेयर्स को 75 डिग्री तक हमने किया, अब हम 90 डिग्री का कट दे रहे हैं। ये देखिए, अब सारे हेयर्स हमारे इक्वल दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि जो हमारी बैक पोर्शन के हेयर्स हमने लिए गाइडलाइन, एक बार फिर से चेक करते हुए देखिए, हमने अच्छे से ट्रिम किया और इक्वल हेयर्स हमारे दिखाई देने लगे। ये हमारे बैक पोर्शन के, और थर्ड जो लास्ट वाली हमारी सेक्शन किए हुए हेयर्स थे, गाइडलाइन के साथ में हमने कट किया है।
और अब हम राइट हैंड साइड के ही जो सेकंड वाला पोर्शन हमने लॉक किया था, जो सेक्शन तैयार किया था, अच्छे से कॉम करते हुए देखिए, हम हेयर्स को ग्रिपिंग के साथ में, फिंगर ग्रिपिंग के साथ में, हेयर कट अगर हमारा होता है तो कोई मुश्किल चीज नहीं है, बहुत अच्छे से फिनिशिंग आती है। अब गाइडलाइन हमारे साथ है और सेकेंड जो सेक्शन हमारा है राइट हैंड साइड का, उसको हम 45 डिग्री पे कट किया, अब हम 75 पर करेंगे। ये देखिए, ये हमने हेयर्स को लिया और अपने आप जो हेयर्स हैं छोटे बड़े दिखाई देने लगते हैं, अब हम 90 डिग्री पर ले जाएंगे। विश्वास है आपको जरूर समझ में आ रहा होगा, क्योंकि इतना हम एक एक पॉइंट को बहुत अच्छे से गौर करके आपके सामने पेश कर रहे हैं कटिंग को, तो मुश्किल काम नहीं है अगर आप ध्यान से देखेंगे। एक बार वीडियो देखने में समझ में नहीं आता है तो आप कई बार देख सकते हैं, बार बार देख सकते हैं, जिससे कि अच्छी तरह से आपको हेयर कटिंग की पकड़ हो जाए, प्रैक्टिस हो जाए। ये देखिए 90 डिग्री तक हम ले गए और फिर हमने ये कट कर दिया। ये राइट हैंड साइड के हमारे लास्ट सेक्शन हम खोल रहे, तीन सेक्शन हमारे तैयार हो गए, ये फोर्थ वाला है। स्टार्टिंग हमारी यहीं से हुई थी तो इसको फर्स्ट भी बोल सकते हैं, फर्स्ट सेक्शन जो हमने ईयर टू ईयर पार्टिंग किया था वो वाला पोर्शन है। हेयर्स को लिया, अच्छे से कॉम किया और हम अब इसको इस तरह से करेंगे कट। ये देखिए, ये हमने कट किया। गाइडलाइन हमारे जो हेयर कटिंग किए हुए हेयर्स हैं उसमें से हमने ले रखी है और फिनिशिंग के साथ में देखिए किस तरह से हमने ये कट किया। और इनके हेयर्स बहुत लाइट हेयर्स हैं तो हमको हैवी लुक लाने के लिए अब ये जो ईयर टू ईयर हमने पार्टिंग की है हम स्ट्रेट ले गए, और स्ट्रेट ले जाते हुए जो छोटे बड़े हेयर्स हैं उनको हमने ट्रिम किया। एक बार फिर से देखिए, बॉन्स लाने के लिए बालों में हमने इस तरह का कट दिया है, जिससे कि हेयर कटिंग के बाद में थोड़ा हैवी लुक हेयर्स में आए। ये देखिए, हमारे राइट हैंड साइड के सारे हेयर्स का कट हो गया और अब हम लेफ्ट हैंड साइड के हेयर्स का कट स्टार्ट करेंगे। इसी तरह से जिस तरह से राइट हैंड साइड में हमने कट किया है उसी प्रकार से हमको करना होगा। सबसे पहले हमने लॉक किए हुए हेयर्स को खोला और गाइडलाइन ली, और ये देखिए किस तरह से ग्रिपिंग के साथ में हम कटते रहे। कटिंग किए हुए हेयर्स में से गाइडलाइन हमारे साथ प्रॉपर वे में चलती है, क्यों कि उसी के अनुसार इक्वल हेयर कटिंग हम कर पाते हैं। देखिए एक बार फिर से, हमने सारे हेयर्स को लिया और ये इस तरह से ट्रिम किया, हेयर्स को कट किया। दोस्तों, हमारे काफी वीडियोस हैं और हमने फेसबुक पेज पर भी डाले हुए हैं, बॉम्बे ब्यूटी पार्लर के नाम से है, तो वहाँ भी आप देख सकते हैं, यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। और आपके कमेंट्स का हम वेट करेंगे, और भी अगर आपकी चॉइस है तो हम उसके अकॉर्डिंग भी हम वीडियो तैयार करेंगे, हेयर कट का, मेकअप का। अभी हेयर कट की डिमांड बहुत ज़्यादा आ रही है, गर्मी का टाइम है तो इसलिए हमारे हेयर कटिंग के वीडियो ज़्यादा आ रहे हैं। और
बाकी सीजनल जो है मेकअप के हैं, फेस से रिलेटेड हैं, स्किन से रिलेटेड, बीच में हम पोस्ट करते रहते हैं, और भी हम करेंगे, लेकिन पहले जो आप लोगों की डिमांड हमारे पास आई है उसके अकॉर्डिंग हमको कट पहले करना पड़ता है हेयर्स का, और भी हम आपकी चॉइस के अनुसार, नए नए व्यूज के अनुसार हम वीडियो जरूर पोस्ट करेंगे। विश्वास है आपको हमारा बताने का तरीका, समझाने का तरीका, एक्सप्लेन करने का तरीका पसंद आता होगा। जिस तरह के कमेंट्स हमारे पास आ रहे हैं उससे लगता है हमको सेटिस्फेक्शन भी मिलता है कि आप सेटिस्फाइड हैं हमारे समझाने के तरीके से, हमारे जो काम को पेश करने का जो तरीका है आपको पसंद आता है। बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। और भी अपने आप व्यूज भेज सकते हैं, चॉइस अपनी भेज सकते हैं, तो जरूर हम जल्दी से जल्दी आपके सामने पेश करने की कोशिश करेंगे। ये देखिए राइट हैंड साइड के अकॉर्डिंग हमने सारा लेफ्ट हैंड साइड के हेयर्स का भी कट कर दिया, और ये दोनों साइड का हेयर कट करने के बाद में जिस तरह से हमने राइट हैंड साइड का किया, सेम टू सेम लेफ्ट हैंड साइड का हमने किया है। अब देखिए ये फर्स्ट वाली जो ईयर टू ईयर पार्टिंग की हुई है, लॉक हेयर्स थे, हम उनका कट कर रहे हैं, ये देखिए इस तरह से। और आगे का जो, इनको फ्लिक नहीं चाहिए, लेकिन थोड़ा सा अलग स्टाइल इनको चाहिए तो वो हम करेंगे। हमारे साथ थोड़ी मजबूरी ये है कि जो हमारे ये क्लाइंट हैं तो उनको फेस नहीं दिखा पा रही हैं, वो उनकी मजबूरी है, इनकी कुछ प्रॉब्लम होगी, इसलिए हम फ्रंट पोर्शन का जो है कट इसलिए आपको भी नहीं दिखा रहे हैं, ओनली हम बैक पोर्शन का ही कट हमने किया है। कुछ क्लाइंट्स ऐसे होते हैं, जरूरी नहीं है कि सभी लोग फ्रंट पोर्शन का भी कट दिखाएं या फ्रंट पोर्शन का भी हेयर कट लें, तो ऐसा नहीं होता है। कई बार काफी लोग केवल बैक पोर्शन के हेयर्स का ही कट लेते हैं, तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, आपको काम हमारा पूरा नजर आ रहा है। ये हेयर कट होने के बाद में अब हमने फ्रंट पोर्शन के जो बॉक्स वाली फ्लिक तैयार नहीं की थी, लेकिन बॉक्स हेयर्स को लेकर हम देखिए स्ट्रेट ले जाकर हमने ट्रिम किया। इससे थोड़ा बॉन्स हेयर्स में आएगा और हैवी लुक आएगा। देखिए बहुत 2.5 इंच के करीब हमने हेयर कट किया है, हेयर्स को कट किया है, और ये देखिए एक लेंथ भी कम नहीं हुई, और कटिंग के बाद में हैवी लुक आपको दिखाई देगा। एक बार आप देख सकते हैं कि बैक पोर्शंस के जो हेयर्स हैं हम चेक कर रहे हैं कि कहीं छोटे बड़े हेयर्स तो नहीं है, अगर हैं तो हम अच्छे से उसको फिनिशिंग दे सकते हैं। कई बार वी शेप वाला जो तीखापन हेयर्स में होता है तो वो पूंछ जैसी नजर आती है, इसलिए उसको कट कर देना चाहिए। ये हमने कट किया क्योंकि क्लचर के बाद में वो ठीक नहीं लगती है, खुले हेयर्स में ठीक लगती है। ये देखिए इनका हेयर कट हमने बॉक्स वाली जो फ्लिक थोड़ी सी निकाल कर हेयर कट दिया है, उससे बॉन्स हेयर्स में आया है, और विश्वास है आपको ये कटिंग हमारी पसंद आई होगी। धन्यवाद।